देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 69,652 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि यह कोरोना मामलों में एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी उछाल है। इस दौरान 977 लोगों की मौत भी हुई है। भारत में अब तक कोरोना के 28,36,926 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 6,86,395 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 20,96,656 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में 9 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने दी। आपको बता दें कि यह एक रिकॉर्ड है, जब देश भर में एक ही दिन में कोरोना के 9 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। यहां कोरोना संकट बेकाबू होता नजर आ रहा है। मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,165 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोविड-19 महामारी के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 6,28,642 हो गई। ICMR के मुताबिक 19 अगस्त तक देश में कुल 3,26,61,252 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9,18,470 कोरोना टेस्ट बीते 24 घंटे में किए गए हैं। जानकारों का ऐसा मानना है कि देश में संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफे का कारण है कि अब पहले के मुकाबले ज्यादा संख्या में लोगों की जांच की जा रही है।